हैं, सचिन बंसल हैं, रतन टाटा हैं, बहुत सारे हमारे कंट्री में विजय शेखर शर्मा हैं पेटीएम के, है ना। तो ये बहुत सारे अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर जिनका जो HNI के कैटेगरी में है वो एंजल इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड ये जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ये अपने पर्सनल ओन फंड्स में से इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड शुरुआत में जो एकदम से जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, आप स्टार्टअप कर रहे हैं एंड बिल्कुल आप सीड स्टेज पे हैं कि जस्ट आपने बिजनेस प्लान बनाया है, आपके पास में बिजनेस आइडिया है एंड नाउ आपको प्रोटोटाइप बनाना है। यदि सपोज आपका प्रोडक्ट है तो आपको प्रोटोटाइप बनाना है, या फिर आप उसका टेस्ट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चरिंग के लिए यू नीड फंडिंग सपोर्ट। तो फॉर दैट एंजल इन्वेस्टमेंट को कॉन्टेक्ट किया जा सकता है। तो बिल्कुल शुरुआत का जो फंडिंग सपोर्ट होता है वो एंजल इन्वेस्टर्स प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ये एनालाइज करते हैं कि आपका प्रोजेक्ट प्रॉफिट पोटेंशियल है या नहीं है। बट बिसाइड दैट ये बहुत ज्यादा इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि बिजनेस एस्टेब्लिश हो, है ना, वो ग्रो करना चाहते हैं बिजनेस को एंड इस कारण से वो उसमें फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो काफी सॉफ्ट होती हैं एंड जैसे ही आपका बिजनेस एस्टेब्लिश हो जाता है ये एग्जिट करते हैं। नेक्स्ट जो वेंचर कैपिटल फंडिंग है ज्यादातर इंडिविजुअल नहीं होते, ये ज्यादातर फर्म्स होती हैं। एंड वेंचर कैपिटल फंड्स जो होते हैं वो जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है वेंचर, जिसमें रिस्क और डेयरिंग हो, तो ऐसे स्टार्टअप्स जिसमें कि हाई रिस्क हो, जो ऐसे स्टार्टअप्स जिसमें लॉस होने का हाई रिस्क हो, फेलियर का हाई रिस्क हो, ऐसे स्टार्टअप्स में फंडिंग के लिए हमें वेंचर कैपिटलिस्ट को कांटेक्ट करना पड़ता है। एंड वेंचर कैपिटलिस्ट सीड फंडिंग के केस में ज्यादातर नहीं प्रोवाइड करते, ये अर्ली स्टेज पे जाते हैं। मतलब आपका जो एक बार आपका बिजनेस एस्टेब्लिश हो गया, आपने प्रोटोटाइप बना लिया एंड यू हैड अ टेस्ट मार्केटिंग ऑल्सो, आपने टेस्ट मार्केटिंग भी एक बार करके देख लिया, आप कुछ एस्टेब्लिश हो गए हैं, आपका